अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन वेजिटेबल लज़ानिया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चले शुरू करते हैं इसे बनाना। गैस का चूल्हा ऑन किया हुआ है, उस पर कढ़ाई रखी हुई है और उस पर बहुत सारा पानी मैंने शामिल किया है। ये लज़ानिया शीट्स है हाफ पैकेट, उसे हम शामिल करेंगे और उसे 10 से 12 मिनट तक धीमी आंच पर उसे इस शीट को पकने के लिए छोड़ देंगे। ओवर कुक नहीं करना है। हम थोड़ा सा ऑयल शामिल करेंगे। हमने ऑयल इसलिए शामिल किया हुआ है ताकि ये आपस में जुड़े नहीं। चिकन वेजिटेबल लज़ानिया बनाने के लिए हमें 3 स्टेप की ज़रूरत है। पहले हमने शीट्स को उबालने रख दिया हुआ है। सेकंड, हम उसकी वेजिटेबल और चिकन की फिलिंग बनाएंगे और थर्ड उसकी वाइट सॉस बनाएंगे। अब लज़ानिया के स्ट्रिप्स 10 मिनट में अच्छे से कुक हो चुके हैं। इस लज़ानिया शीट को मैं छन्नी में छानूंगी और ठंडे पानी से वॉश करके उसमें 1 टेबलस्पून ऑयल शामिल करके उसे रख दूंगी। इस लज़ानिया शीट को मैंने छान कर उसका पानी ड्रेन करके उसे ठंडे पानी में वॉश करके उसे उस पर 1 टेबलस्पून ऑयल लगाकर उसे हमें साइड में रख देना है। अब हम चिकन वेजिटेबल की फिलिंग बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को अच्छा गर्म होने दें। ऑयल अब हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है, तब मैं ये 3 से 4 जवे लहसुन के बारीक उसे काट कर शामिल करूंगी। उसी के साथ उसमें 1 प्याज बारीक चॉप हमें शामिल करना है और उसे नरम होने तक उसकी भुनाई करना है। मैंने 1/2 किलो ब्रेस्ट चिकन लिया हुआ है, उसे स्लाइस काट कर उसके हमने पतले पतले जूलियन काटे हुए हैं। प्याज हमारी अब नरम हो चुकी है, तब हम ये चिकन उसमें शामिल करेंगे और हमें चिकन को इतना भूनना है। चिकन का पानी खुश होना चाहिए और ऑयल नज़र आना चाहिए। चिकन को अब हमने 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरह भून दिया है और चिकन का पानी भी पूरा खुश्क हो चुका है और ऑयल नज़र आ रहा है। तब हम चिकन वेजिटेबल लज़ानिए के लिए हमें ये वेजिटेबल की ज़रूरत होगी। मैंने 1 अदद गाजर ली हुई है, उसे स्लाइस काट कर बारीक चॉप्ड किया हुआ है। 1 अदद शिमला मिर्च, उसे भी चॉप्ड किया हुआ है। 1 कप गोभी ली हुई है, उसे बारीक चॉप करके लिया हुआ है और 4 से 5 अदद इस तरह मशरूम लिए हुए हैं, उसे भी स्लाइस में काटा हुआ है और 1 कप फुल गोभी, उसे भी बारीक चॉप किया हुआ है और 1/4 बंच पासले का, उसे भी बारीक चॉप किया हुआ है। चिकन में अब हम सारी वेजिटेबल्स को शामिल करेंगे। फूलगोभी, कैबेज, शिमला मिर्च, गाजर और मशरूम और ये पासले, उसे अच्छी तरह भूनेंगे। हमें 5 से 6 मिनट तक इसे धीमी आंच पर भूनना है। इसे ओवर कुक नहीं करना है इन सब्जियों को। वेजिटेबल की हमने चिकन में 1 से 2 मिनट तक उसकी भुनाई की है। तब हम उसमें 1 टेबलस्पून कुटी काली मिर्च, 1 टेबलस्पून ऑर्गेनो और थाइम और 1 टेबलस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल करेंगे और 1 टेबलस्पून नमक
और उसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब अच्छे से मिक्स हो जाए तब मैंने 3 टेबलस्पून चिली गार्लिक सॉस लिया हुआ है वो शामिल करेंगे और 4 टेबलस्पून टमाटो पेस्ट वो शामिल करेंगे और थोड़ा सा पानी शामिल करके उसकी भुनाई करेंगे हम। गैस का चूल्हा थोड़ा तेज़ करेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि सारे मसाले वेजिटेबल चिकन में अच्छी तरह रच बस जाए। तब हम गैस का चूल्हा ऑफ करेंगे। तैयार है हमारी चिकन वेजिटेबल की फिलिंग। चिकन वेजिटेबल लज़ानिया की वाइट सॉस बनाएंगे। इसके लिए हमें चाहिए 1 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल जब गर्म हो तब हम 1 टेबलस्पून मैदे का आटा मिल करेंगे, उसे हल्का भुनेंगे। मैदा अब अच्छे से भून चुका है, उसकी खुशबू भी आ रही है, इस तरह हमें भूनना है। तब हमें ये 1/2 लीटर मैंने दूध लिया हुआ है उसे हम शामिल। उसे मिक्स करेंगे। 1 टेबलस्पून शक्कर, थोड़ा सा नमक और क्रस्ट ब्लैक पेपर 1/2 टीस्पून और 1/2 टीस्पून मस्टर्ड पेस्ट शामिल कर अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस का चूल्हा हम थोड़ा मीडियम हीट पे करेंगे और इससे हम इसे कंटिन्यू हिलाएंगे ताकि मैदे की गुठलियाँ ना बने और हमें इतना उसको पकाना है कि इसकी सॉस ठीक हो जाए। अब सॉस हमारी इस तरह ठीक हो चुकी है। ये मैंने 4 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ लिया हुआ है उसे हम शामिल करेंगे और उसे मिक्स करेंगे और चूल्हा ऑफ करें। इस तरह हमारी सॉस तैयार। अब हम इस वेजिटेबल लज़ानिया को असेंबल करेंगे। इसके लिए मैंने ये मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड लिया हुआ है। पायरेक्स की डिश लेंगे इस तरह पर हम ये वाइट सॉस फैलाकर 1 चम्मच शामिल करेंगे। ये लज़ानिया के स्ट्रिप्स लगाएंगे। इस तरह जब लग जाए तब हम उसमें ये चिकन की फिलिंग ऊपर फैलाकर शामिल करेंगे। फिर उस पे ये व्हाइट सॉस फैलाकर डालेंगे। बाद हमें ये मोज़रेला चीज़ ऊपर से शामिल फैलाकर डालना है। इस तरह हमें ये लज़ानिया फिर वेजिटेबल और फिर सॉस डालकर हम इसे लेयर में रखेंगे। मैंने सारा असेंबल किया हुआ है, लज़ानिया शीट, फिर वेजिटेबल चिकन वेजिटेबल की फिलिंग और फिर वाइट सॉस, फिर मोज़रेला चीज़ और फिर उसके ऊपर भी मैंने अच्छे से मोज़रेला चीज़ फैलाकर डाला हुआ है। अब मैंने ओवन 200 डिग्री पर प्रीहीट किया हुआ है। ओवन अब हमारा 200 डिग्री पर प्रीहीट हो चुका है। तब हम ये वेजिटेबल लज़ानिया बेक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। अब चिकन वेजिटेबल लज़ानिया अच्छे से बेक हो चुका है और सारे घर में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। यार हमारा चिकन वेजिटेबल लज़ानिया
आप गर्मा गर्म काट कर सर्व करें। उम्मीद है मुझे आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और आप सब इसे ज़रूर ट्राई करेंगे। आप अपना, अपने घर वालों का और बुज़ुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।